अच्छा ये आप देख सकते हो डमी स्टैंड, प्रीमियम क्वालिटी का डमी स्टैंड है। तो बहुत जन का क्वेरी था जैसे भैया इसको कैसे हम लोग सेट करें, बहुत जन ऑनलाइन में मंगवाते हैं तो उन लोग का एक डाउट रहता है इसको कैसे सेट करना होता है, कैसे ओपन करना है। तो आज मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपको दिखा दे रहा हूँ इसको कैसे ऑन करना है। तो आपको जब स्टैंड मिलेगा वो इस टाइप में रहेगा, आपका ये वाला डाउन किया हुआ रहेगा। इधर आपको एक चाबी का नॉब देखने को मिलेगा, ये चाबी आप देख पा रहे हो। इधर देखिए एक एक्स्ट्रा चाबी लगाया हुआ है, इधर देखिए एक हुक दिया हुआ है और ये प्लेट्स वगैरह इधर दिया हुआ है। तो फर्स्ट में तो आप इसको निकाल लीजिए, ये निकालने से देखिए आपका प्लेट्स ओपन हो गया। ये अच्छे से प्लेट्स दिख रहे हैं, ये देखिए प्लेट्स ओपन हो गया। ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसमें हम लोग पैर रख के काम कर सकते हैं, इससे डमी गिरे नहीं या स्टैंड हिले नहीं, ठीक है। तभी इसको खोलना है, इसको अगर आप ओपन करना चाहोगे तो आपको इसको लूज करना पड़ेगा। ये हम लोग देखिए लूज कर दिए, ये देखिए यह टाइट हो सकता है, ये लूज हो गया। लूज होने से देखिए इसको आप ऐसे खोल सकते हो। तो ये जो बेस है ये बेस में, तो बेस तक आप खोल ले तो ये आपका सेट हो जाएगा। ये टेबल जैसे छोटा है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो इसको आप जब खोल लोगे ऐसे, खोलने के बाद आप इसको फिर टाइट कर दीजिए। खोलने के बाद आप टाइट कर दोगे तो ये और स्प्रेड नहीं होगा, ये वाला और स्प्रेड नहीं होगा। तो ये देखिए टाइट हो चुका है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तो ये फर्स्ट पार्ट का काम हम लोग का कम्प्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में देखिए इधर एक तो बकल लगाया हुआ है, एक हुक दिया हुआ इधर। तो अगर आपको इसको ओपन करना है, इसको बड़ा करना है, तो आपको इसको घुमाना पड़ेगा। देखिए आप ये हुक घुमा रहे हो तो देखिए ये निकल गया, ये देखिए बाहर आ चुका है। तो इसको आप जितना मर्जी चाहे ऊपर रख सकते हो, जब आप डमी स्टैंड यूज करो तो इसको आप ऊपर रख के दिखा सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला एक बकल है इधर, ये जो बकल है इसको भी आप खोल सकते हो। तो ये हम लोग को निकालना नहीं है, ये वाला जो आप देख रहे हो, अगर आपको ये पूरा स्टैंड निकालना हो तब आपको इसको खोलना है, वरना इसको आपको खोलने की जरूरत नहीं है। तो इसको अभी मैं सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये टाइट हो गया, ये इधर सेट हो चुका है। तो ये हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा अगर आपको इसको अब लॉक करना है, आप सोच लीजिए आपको ये लॉक करना है, तो आप ये आपको इतना लंबा ही रखना है, लंबा रख के आप इसको टाइट कर दीजिए। देखिए मैंने ये हुक को स्क्रू को घुमा के टाइट कर दिया, ये टाइट हो चुका है, ठीक है। तो ये अभी घुस गया। अब इसका काम क्या है, इसका अपन क्या काम कर सकते हैं, ये क्या काम में अपने को आएगा, तो इसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सोच लीजिए अगर आप काम कर रहे हो, काम करने के बाद आप इसको ढीला रखे हो, इसको आपने टाइट नहीं किया है, आपको बार बार इसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो आप इसको एज ए की यूज कर सकते हो। तो ये आपका ऐसे घुस गया, तभी भी ये नीचे नहीं आएगा। देखिए ये एज ए की आप इसको यूज कर सकते हो, ये देखिए इसको एज ए की आप यूज कीजिए। तो फिर अगर आपको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है तो फिर इसको आप एज ए की यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये की देखिए इधर निकल चुका है, ये वाला जो चाबी है ये देखिए इधर निकल चुका है, ठीक है। तो ये वाला की को आपको ऐसे यूज करना है और अदरवाइज आप इसको इससे टाइट कर लीजिए। तो ये टाइट हो गया, ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। तो इसका फंक्शन खत्म हो चुका है। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं ये थर्ड पार्ट की। देखिए ये आपका लूज रहेगा तो इसको आपको टाइट करना है, तो आप इससे टाइट कर सकते हो। तो ये इसका चाबी है, यहाँ पे देखिए आपको एक स्क्रू दिखेगा, इसको देखिए यहाँ पे आपको एक स्क्रू दिखेगा, ये देखिए स्क्रू, ये देखिए स्क्रू। तो ये है इसका चाबी। तो इसको चाबी को हम लोग कैसे टाइट करेंगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसको हम लोग ने पकड़ा अभी, ठीक है, ये देखिए ये चाबी को हम लोग को घुमाना है, इसको सिंपली घुमाना है निकालना है, घुमाना है निकालना है, घुमाना है निकालना है। तो ये देखिए ये टाइट हो रहा है, अब मैं इसको पूरा टाइट कर दे रहा हूं, देखिए ये देखिए ये पूरा टाइट हो चुका है, ये देखिए ये नहीं हिलने वाला, ये पूरा टाइट हो चुका है। अब हम लोग इसमें डमी लगा रहे हैं, जब तो डमी में कोई भी डमी में आपको ये दिख जाएगा, होल दिखेगा ये वाला, इसमें आपको डमी घुसाना है। तो ऐसे आप डमी स्टैंड में डमी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसका फंक्शन दिख गया। अब मैं जब इसको निकाल रहा हूं, मैंने जो आपको प्लेट दिखाया था वो प्लेट इसको निकालते टाइम में आपको प्रेशर देने में बहुत हेल्प आएगा। फिर जब आपका काम हो चुका है तो आप इसको लूज कर सकते हो। अब ये देखिए मैं इसको लूज कर दे रहा हूं, ये देखिए अब ये लूज हो गया, देखिए लूज हो गया। तो अगर ये आपका अगर आप घुमाते घुमाते अगर निकल भी जा रहा है, सोच लीजिए आपने ज्यादा घुमा दिया, ये ज्यादा लूज हो चुका है,
और ये अगर आपका निकल जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है जो ये खराब हो चुका है, ये निकल ही सकता है क्योंकि देखिए इसमें स्क्रू दिया हुआ है। तो आप इसको फिट टाइट कर लीजिए, आप इसको फिट टाइट कर सकते हो। देखिए मैंने वापस इसको टाइट कर लिया तो ये टाइट हो गया, ठीक है। ये देखिए ये वाला घुस गया। अब इसको हम लोग वापस घुमा के टाइट कर ले रहे हैं। अब देखिए ये टाइट हो चुका है, फुल्ली टाइट। तो ये है डमी का वीडियो। तो अगर आपको ये प्रोफेशनल मेकअप का हेयर डमी और स्टैंड अगर खरीदना है तो आप द अलंकार कॉस्मेटिक्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।